Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. हम लोग आज जो है मैं अज़लान को एक अपने मोहल्ले का पिज्जा ट्राई करवाने के लिए जा रही हूँ. क्या नाम उसका? मिस हेन. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कभी पिज्जा सुना बहुत है. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कभी खाए हैं. इट्स नॉट लाइक अ पिज्जा, इट्स लाइक आई डोंट नो. आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ और ही है. मतलब एक तो सस्ता भी बहुत है और वो अलग, मतलब पता नहीं. मैं आप लोग को दिखाऊंगी. स्पॉन्सर नहीं है वीडियो. स्पॉन्सर नहीं है खैर, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने और भी चीजें करनी है. बट मैंने बोला शुरुआत तो कर लें. सो लेट्स गो. ओके, हम काफी ज्यादा ट्रैफिक में फंसा के इतनी देर में हम डिफेंस पहुंच जाते. हम पहुंच गए हैं. अगर ये पिज्जा अच्छा नहीं हो ना, आई स्वेयर टू गॉड, वो पच्चा होगा. मैं भी खैर बहुत टाइम बाद खा रही हूँ. और भाई ये जौहर में जो खालिद स्वीट्स है उसके बिल्कुल बराबर में, इन केस किसी को लोकेशन चाहिए हो. और अगर ये अच्छा नहीं हुआ बहुत जो है ना बहुत बुरा होगा. ये मेन्यू आ चुका है. अब मुझे याद आ रहा है कि मैं ये खाती थी पिज्जा नेपोली जो है ना. नेपोलियन. हाँ, इसमें मशरूम है ना, बस ठीक है. खाती थी अब. लेकिन ये कहना ये भी अच्छा है. नहीं आ रही भाई मुझे तो अभी. दिखने में अच्छा लग रहा है. अच्छा. अब लेकिन जो है ना, दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल पिज्जा, तो इससे आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा कि आप जैसे पिज्जा खाते हुए रखते हैं ना. इट्स वेरी, आई डोंट नो, इट्स लाइक अ पाई. बहुत गरम था. हाँ जी, कैसा है पिज्जा? अच्छा है. मैंने आज तक कभी यहाँ पे फ्रेश नहीं खाया इतना. मतलब हमेशा घर पे डिलीवर करवाया है और घर मेरा 15-20 मिनट दूर है. तो यार पिज्जा अच्छा है. जो लोग शुरू से खाते हैं अच्छा है. मैंने भी खाया तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा. नहीं लगा. बेसिकली मैंने नॉन स्पाइसी फ्लेवर मंगवाया था. बजलान ने इस पे चिली फ्लेक्स मंगवा के डलवाई हैं. सो हाउ इज इट नाउ? थोड़ा बेहतर लग रहा है पर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि फीका लग रहा था आई थिंक आपको. लेकिन इसका टेक्सचर डिफरेंट है ना पिज्जा से. किस तरह का ये, लाइक टोस्ट या पिज्जा? आई डोंट नो, बस बहुत लाइक क्रीमी टाइप का ये. ओके, पिज्जा खा लिया है और एक आध स्लाइस यहाँ पे बचा है तो वो भी रख दिया. एंड अब हम लोग कुछ मेरे काम के लिए जा रहे. खैर आप रिव्यूज देना चाहेंगे अपने कुछ पिज्जा? आई एम श्योर अच्छा होगा बट ये फ्लेवर जो हमने लिया है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा. बेसिकली वो थोड़ा नॉन स्पाइसी. और मेरी हाइट भी इसलिए गई क्योंकि गर्म इतना था मेरा पैलेट जल गया. वो इतना गर्म था अज़लान ने जैसे ही पहला बाइट लिया पूरा जल गया. तो वो सो फ्रेश. खैर मूविंग ऑन, वेयर आर वी गोइंग नाउ? वी आर गोइंग टू गेट सम ऑफ माय स्टफ. फिर उसके बाद हम जाएंगे फिल्म देखने. हम जाएंगे फिल्म देखने के लिए लेकिन उससे पहले हमने एक घंटा किल करना है. तो अब उसके लिए हम क्या करें? सोच रहे हैं, सोचते हैं. फिल्म हमारी 12:20 और इस वक्त 11 हो रहे हैं. सो नादरा चले जाए. नादरा जाके लाइन में लग जाते हैं. सोचते हैं भाई, सोचते हैं अभी, सोचते हैं. तो भाई मूवी देखने से पहले हम लोग आ गए हैं बास्किन रॉबिन और वरीशा की जगह बहुत पसंदीदा है. स्पाइसी फ्लेवर स्पाइसी क्योंकि पिज्जा तो स्पाइसी नहीं था. तो भाई अभी हम जा रहे हैं मिस्टर सदीद के घर पे. एंड अज़लान ने बगैर मुझसे पूछे 3 स्कूप हम दोनों की शेयरिंग में ले लिया. मतलब और उसमें से 2 स्कूप खुद डिसाइड कर लिए और फिर एक कहते हैं और कौन सा लूं. मुझे लगा आई एम सपोज टू सजेस्ट हिम कि क्या लें बट आई फाउंड आउट कि मैं अपने लिए चूज कर रही हूं 1 सूप. या भाई ये जो आप लोग लिफ्ट देख रहे हैं इस वक्त ये छोटी सी लिफ्ट है और यहां मैं फंस चुका हूं. सदी के घर से जब वापस जा रहा था तो आई गॉट स्टक और मैं थोड़ा सा पैनिक भी बंद हो गई थी. पैनिक कर गया था थोड़ा सा. सो या बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह है और दरवाजा भी ऐसे खुलता है. ओके गाइस, तो मैं इस वक्त आ गया हूँ सदीद के घर में. सदीद हमारे साथ फिल्म देखने चल रहे हो? यार मुझे पूछना पड़ेगा लेकिन मेरी बर्थडे है. देखें हैप्पी बर्थडे. अरे वाह, हैप्पी बर्थडे इकरा. थैंक यू.
बारह बजे के बाद। अरे भाई हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो आए हैं, क्यों नहीं जा रही यार? थैंक यू गाइस फॉर गेटिंग मी द बलून्स। एग्जैक्टली हैप्पी बर्थडे। हाँ प्रमोट करने के लिए अजान शाह और वरीशा और सदीप मेरे लिए फ्लावर्स और बलून्स लेके आए। ओह यस। तो भाई अभी हम जाएंगे देखेंगे तेरी मेरी कहानियां। बंदा हमारे साथ फिल्म देखने नहीं जा रहा क्योंकि इसकी जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। चले जी अब हम जाएंगे न्यूप्लेक्स। मगर वी जस्ट गॉट टू नो के न्यूप्लेक्स की वाली सीट हॉन्टेड है। ये ऊपर किया मैंने, ऊपर कर दी, ये ऊपर कर दिया, अभी देखो अब नीचे नहीं जा रही, उन्हें बार बार नीचे जा रही थी, अपनी जा रही है, ये खुद ब खुद हो रही है भाई। हाँ भाई कैसी लगी सर? Babylicious कब हम देखने आएंगे? Babylicious is actually produced by वकार भाई। हैं? मैं तो कह रही हूँ मेरे को Insidious देखना है। Insidious मैं कभी भी ना देखता। Okay guys, तो ये था आज का ब्लॉग और it was kind of like a date night। Yeah, it was a date night जिसमें मेरा मुंह बहुत बुरे तरीके से जला है। ठीक है इतना बुरा मुंह जला है मेरा जिसको इंतजार ना अगर तुम वीडियो वो अगर एक से नहीं बनेंगे वेट 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 अगर वीडियो तुम रिवाइंड करके देखोगे ना तो पिज्जा में से धुआं निकल रहा है। लिटरली ज़ूम भी कर देंगे हम उसको। एंड आई थिंक ये हमारा फर्स्ट टाइम था हमने मूवी साथ देखी है अकेले। यस सो यस आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो और कमेंट्स में बताया नेक्स्ट चैलेंज क्या करें, नेक्स्ट वीडियो क्या बनाए क्योंकि हम ना थोड़े यूट्यूब में सुस्त हुए हैं, थोड़ी गेम अप करनी है वापस से। और जाके तुम लोग फिल्म देख सकते हो ये वाली तेरी मेरी कहानी। यू गाइस कैन वॉच दिस फिल्म लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप दिन के या शाम के टाइम में देखिए क्योंकि रात में बीच वाली मूवी में मुझे सोना आ गया था मतलब नींद आ गई थी। चले बस बहुत देर रात हो रही हो। अल्लाह हाफिज़।